सॉरी फ्रेंड्स, कुछ लोग मुझे मैसेंजर और व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं, दैट्स वाई ऑफलाइन हो गई मैं, आई मीन टू से लाइव। हाँ जी, आप लोग ज़रा जल्दी। हेलो हेलो, हाय, जय हिंद डिजिटल इंडिया। श्रेया फ्रे, जय हिंद, सैल्यूट, थैंक यू। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी मैसेंजर और व्हाट्सएप पे कॉल करें प्लीज़ ना करें, उसकी वजह से मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। मुझे जल्दी से अपनी बात आप लोगों को कहनी है, सो प्लीज़ कोऑपरेट टू मी, सपोर्ट टू मी। जस्मिन बालड, जस्मिन थैंक यू भाई। चिराग ठाकुर, कैसे? मैं अभी तक तो ठीक हूँ भाई, आगे का पता नहीं। चिराग ठाकुर गुड। बीजे बारोट, जय हिंद, जय श्री कृष्णा। विक्की बॉक्सर, जय हिंद, आई लव इंडियन आर्मी। बबलू यादव, जय हिंद, जय भारत। राजेश आहिर, थैंक यू। सुनील राव, थैंक यू। राइट नाउ वी आर 125। चिराग ठाकुर, आई प्राउड ऑफ यू सिस्टर, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। मयंक सिंह यादव, यस, मैसेंजर बंद करना पड़ेगा, थैंक यू फॉर सजेस्ट मी। विशाल, अभी तक तो तबीयत ठीक है भाई। भरत यादव, जय मुरलीधर। जो नए जुड़े हैं सबको जय हिंद। रामस्वरूप अंकल, थैंक यू अंकल। संजू बाबा, हाय। यादव रंजीत रंजन, आपके साथ पूरे भारत के यदुवंशी भाई हैं, ओ थैंक यू ब्रदर। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है इस वक्त। जय महंत, इट इज़ नॉट गुड इवनिंग, आई थिंक सो इट्स गुड मॉर्निंग। वो कहते हैं ना गुजराती में, जागे त्यार थी सवार। नरेश थैंक यू। भरत यादव थैंक यू। चिराग ठाकुर, हाँ, पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं बनता, पीछे हटना होता तो रात को 12:30 बजे ड्यूटी पे ना होती मैं। राजेश आहिर, जय मुरलीधर। जयदीप थैंक यू। हाँ रौनक भाई, थैंक यू, बट राइट नाउ आई एम डिसअपॉइंट। कौन है ये, कौन है? शिव यादव, पीछे बिल्कुल, मैं पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता। अच्छा रौनक भाई, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, बट राइट नाउ मैं बहुत ही निराश हुई हूँ पुलिस डिपार्टमेंट से। आप एक ASI पुलिस ऑफिसर हैं, बट फिर भी हाँ, मुझे इस वक्त पुलिस की सख्त ज़रूरत है और मुझे निराशा मिली है। कुलदीप सिंह गोहिल, PSI साहब, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, बट पुलिस डिपार्टमेंट ने निराश किया है मुझे। राजेश आहिर, बस बढ़िया हूँ भाई अभी तक तो। भरत यादव, आपने एक नई ताकत दी है भारत की महिलाओं को। जी नहीं, मैंने नहीं दी है, भारत की महिलाएं नहीं, पर विश्व की हर महिलाएं इतनी सशक्त हैं अपने आप में कि वो जब बनाने में आए तो घर को जो है स्वर्ग बना दे, और जब बिगाड़ने में आए तो स्वर्ग को भी नर्क बना सकती हैं। ये मैंने महिलाओं को ताकत नहीं, ये महिलाओं के अंदर ऑलरेडी ताकत है ही। नीलेश कुमार यादव थैंक यू।
चिराग ठाकुर तमे टेंशन नो लेता बे सोशल मीडिया अपनी साथे छे. यस डेफिनेटली आई नो व्हाट इज अ पावर ऑफ सोशल मीडिया. दैट्स व्हाई आई एम लाइव विथ सोशल मीडिया. अदरवाइज जो मीडिया पर्सन थे उनसे कनेक्ट मतलब कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर ही रहे हैं. बट मुझे लोगों को और भारत को और पूरे मुझे लोगों को और पूरे भारत को और पूरे विश्व को दिखाना कि व्हाट इज पावर ऑफ सोशल मीडिया एंड थैंक्स टू एबी. सीरियसली मीन्स कि अगर ऐप भी नहीं होती तो शायद मैं आपसे इस पर कनेक्ट ना होती. अमन कुमार सिंह बोलिए बोलना क्या चाहते हैं. यस डेफिनेटली मैं बोलना चाहती हूँ और मुझे आपसे ज़्यादा जल्दी है बोलने की. मेरे पास टाइम बहुत कम है शायद. राइट नाउ वी आर 326 व्हेन आई एम 1000 वीन व्हेन वी आर 1000 प्लस आई स्टार्ट माई पॉइंट व्हाट आई वॉन्ट टू से. राजेश कुमार यादव कैसे हो. मैं अभी तक तो ठीक हूँ ब्रदर. ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स ओ थैंक यू सो मच. And thanks to NCC cadets also. Ashok, great job. Thank you, bhai. Thank you. Mandeep Singh ji. Mere Devar ji. Don't worry. Sab theek hoga. Tension na lijiye. Rajiv Kumar Yadav. Main theek hu, brother, abhi tak to. Khushi Arya Jai Hind. Right now we are 378. Neil Gabani. जय हिंद फेरिया जय हिंद रिंकल जैन जय हिंद प्रकाश हुडा जय हिंद राम स्वरूप अंकल फ्रॉम आई मीन राइट नाउ ही इज आउट ऑफ कंट्री. थैंक यू रश्मि. थैंक यू दीदी विकास. थैंक यू शिव यादव. थैंक यू जय महंत. थैंक यू थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. भरत यादव आप यदुवंशी की शेर नहीं हो. सिर्फ मैं ही नहीं हर औरत में कालिका माता बसती है. जब तक वो नहीं जगे तब तक हैंडल कर लो यार बच जाओ. जब कालिका माता जग जाएगी तब हर किसी को. और शेरनी तो है ही ऊपर. मैं शेरनी हूँ आप लोग ऐसा बता रहे हैं थैंक यू. बट राइट नाउ मैं शेरनी नहीं हूँ घायल शेरनी हूँ. तो सोच लो कितने लोगों को क्या बोलते हैं कि मैं कितने तांडव कर सकती हूँ या फिर कितने लोगों को आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ. शुभम थैंक यू. राजीव थैंक यू. राइट नाउ वी आर 628. संदीप थैंक यू. पूजा यादव नहीं आंसू बहाने की तो बात ही नहीं. बहुत बहाली आंसू. अब तो जिन लोगों ने कोशिश करी है आंसू निकलवाने की उनकी बारी है भाई. नहीं नहीं चक्का जाम नहीं करना भाई. जो भी है नाम मैं पढ़ना भूल गई. जस्ट अ मिनट. कौन था ये भाई साहब जो चक्का जाम की बात कर रहे हैं. जी नहीं चक्का जाम नहीं करवाना. हम लोग मुझे लगता है डिसिप्लिन में रह के भी अपनी बात गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं. सो चक्का जाम नहीं करना है. बिहार के सभी यादव आपके साथ है जी. थैंक यू. राइट नाउ वी आर 763. विकास यादव थैंक यू. अल्पेश गोयल थैंक यू. संध्या यदुवंशी थैंक यू. आपको मैं ऐड नहीं कर सकती. मेरे पास लिमिट है एक्चुअली. 500 फ्रेंड्स ऑलरेडी हो चुके हैं. अब जो है मैं नेक्स्ट टाइम जब लाइव आऊँगी तब वेरीफाई करूँगी अकाउंट को. देन मैं लाइव आऊँगी. पर राइट नाउ मेरे पास टाइम की कमी होने की वजह से जल्दी से लाइव आना पड़ा. सो जिनकी रिक्वेस्ट बाकी है एक्सेप्ट करनी बाकी है वो सॉरी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि 500 ऑलरेडी हो चुकी है. जब मैं वेरीफाई कर लूँ अकाउंट देन आफ्टर आप मुझे फॉलो कर पाएंगे. इंडियन शेरनी यस. ये पता नहीं आप इसे मुझे मेरा कॉन्फिडेंस कहें या ओवर कॉन्फिडेंस. पर सिर्फ मैं ही नहीं हर एक औरत और स्पेशली भारतीय नारी के पास इतनी ताकत है कि वो पूरे विश्व में भारत का डंका बजा सकती है. थैंक यू फुल सपोर्ट के लिए. थैंक यू विकास यादव. थैंक यू नील गबाणी. जीजू नो नाम कहो. अजी तो हूँ अजी तुम्हारी इंगेजमेंट थी है. हजी लग्न थाना बाकी है.
દિવાળીએ લગ્ન હતા, લગ્નની તૈયારી કરતી હતી ને બધું મૂકીને અત્યારે જો ને કઈ માથાકૂટમાં પડી છું. મારી લગ્નની પ્રિપરેશન જે છે એ અત્યારે હોલ્ડ કરીને જો ને કયા ધંધામાં લાગી ગઈ છું. ચીચુનું નામ તો અત્યારે ના કહી, નેવી ઓફિસર. જય મુરલીધર, જય દ્વારકાધીશ, રવિ, થેન્ક યુ, આકાશ પાટીલ. રાઈટ નાવ વી આર 1000+. ઓકે, જય મુરલીધર ટુ. ઓકે ઓકે ઓકે, જય હિન્દ ડિજિટલ ઇન્ડિયા. નાવ અભી મેં અપને બાત આપ લોગ કે સામને રખના ચાહતી હું. પિછલે કાફી દિનો સે જો કુછ ચલ રહા હૈ આપ ન્યૂઝ ચેનલ મેં ન્યૂઝ પેપર મેં દેખી રહે કે ભાઈ ક્યા ચલ રહા હૈ, ક્યા હો રહા હૈ. સેકન્ડ કિરણ બેદી, યસ, મેરી જો આઇડલ હૈ વો કિરણ બેદી મેમ હૈ. અભી મેં જો કમેન્ટ્સ આ રહે ઉનકી રિપ્લાય નહીં દે પાઉંગી ક્યોંકી મુઝે હો સકે ઇતની જલ્દી અપની બાત રખની આપ લોગ કે સામને, મેરે પાસ ટાઈમ બહોત કમ હૈ. હા, તો જો કુછ ન્યૂઝ પેપરમાં આ રહા હૈ, જો કુછ સોશિયલ મીડિયા પર ચલ રહા હૈ, જો કુછ મીડિયામાં દિખાયા જા રહા હૈ, આપ લોગ સભી મેરે ખ્યાલ સે જાનતે હૈ કે ક્યા ચલ રહા હૈ. અભી મુઝે આપ લોગો સે જો બાત કરની હૈ વો યે હૈ કે મુઝે એસા થા કે પુલિસ ડિપાર્ટમેન્ટ મેરે સાથ મેં હૈ, ઓર અભી ભી મેં તો યહી કહુંગી કે હા યસ, પુલિસ ડિપાર્ટમેન્ટ મેરે સાથ મેં હૈ. પર કુછ લોગ જો હૈ પતા નહીં વો કૌન હૈ જિનકો સમજ નહીં આ રહા કે મુઝે ઇસ વક્ત સપોર્ટ ક્યોંકી કિતની જરૂરત હૈ. અભી થોડી દેર પહેલે જો મેં ઓડિયો વાયરલ કરા વો મેં ખુદ ને કરા હૈ. આઈ એક્સેપ્ટ દેટ કે યસ, મેં ખુદ ને કરા હૈ. મેં સુબહ સે અપને રૂમ મેં કેદ હું. જિન લોગો ને મેરે સાથ યે સબ કુછ કિયા વો બહાર આઝાદ ઘૂમ રહે હૈ. ઓર મેરી ગલતી યે હૈ કે મેને ઉસ દિન જો હૈ અપની ડ્યુટી કરને કરને કી જો હિંમત કરી ઉસકી સજા આઈ થિંક સો મુઝે મિલ રહી હૈ. ઓર ઉસકી વજહ સે મેં અપને રૂમ મેં કેદ હું સુબહ સે. સો તબિયત થોડી સી ખરાબ હૈ. મેં ક્યા બોલ રહે કે તબ ગોલિયા દવાઈયા લેની ભી બંધ કર દીએ મેને ક્યોંકિ ઉનમેં જો મુઝે મેરી બિના જાણકારી કે મુઝે મેરી તબિયત ખરાબ હોને કી વજહ સે મેં ડોક્ટર કો દિખા કે આ રહી હું. દવાઈયા મેં લે રહી હું પર મેરી ફેમિલી વાલે લોગ જો મેરે લિયે ઇતના ટેન્સ હો રહે હૈ વો મુઝે મેરી બિના ઇજાજત કે મુઝે નીંદ કી ગોલિયાં ખિલા રહે હૈ ક્યોંકિ ચાર દિન સે જબ યે ઘટના ઘટી ઉસકે ચાર દિન તક મેં સો નહીં પાઈ થી તો જો ચક્કર આ રહે હૈ મુઝે જો લાઇટ ફીલ હો રહા હૈ વીકનેસ ફીલ હો રહા હૈ. મેં ડોક્ટર કો દિખાને ગઈ તો ને જો મેડિસિન દી ઉસમે પરિવાર વાલો કી ચિંતા ને જો હૈ મુઝે નીંદ કી ગોલિયાં દી જિસસે મેં શાયદ ઉનકી ચિંતા ભી ઠીક હૈ મતલબ સહી હૈ કે ભાઈ તબિયત જ્યાદા ખરાબ ના હો જાય ઉસકે લિયે ઉન્હોને મુઝે નીંદ કી ગોલિયાં દી. પર મેરે પરિવાર વાલે કહીં ના કહીં મુઝે લેકે બહોત ટેન્શન મેં હૈ. સુબહ સે મેં અપને રૂમ મેં કેદ હું. મેરી ગલતી જો હૈ પતા નહીં ક્યા ગલતી કરી હૈ મેને કી સજા મુઝે મિલ રહી હૈ. મુઝે બહાર જાને કો નહીં મિલ રહા હૈ ક્યોંકિ કલ જો હૈ મેં બહાર ગઈ થી અપને કુછ કામ સે તો મેરે વિડિયો ઓડિયો વગેરે વિડિયો વગેરે વાયરલ હો રહે હૈ. મેરી ફેમિલી કો સેફ ફીલ કરાને કે લિયે કલ મેં સબ્જી માર્કેટ ગઈ થી સબ્જી લેકે આને કે લિયે તાકી મુઝે મેરે સાથ તો સિક્યોરિટી થી પર મેરે ફેમિલી વાલે કોઈ સિક્યોરિટી નહીં મિલ રહી થી. સો મેં અપની ફેમિલી કો સોચ કે સબ્જી માર્કેટ મેં ગઈ થી. મેરે ઘર મેં ખાને કે લિયે અબ માનેંગે નહીં સબ્જી વગેરે કુછ ભી નહીં થી. ઓર પિછલે 10-15 દિન સે એસા હી ચલ રહા હૈ તો મુઝે ના ચાહતે હુએ મેં નજદીક કી માર્કેટ મેં જાના પડા. સો વહાં સે મેરે વિડિયોઝ વગેરે વાયરલ હો રહે હૈ તો ઉસકી વજહ સે મેરે ફેમિલી વાલો ને મુઝે મેરા ઘર સે બહાર જાના બંધ કર દિયા હૈ. બહાર જાના બંધ કરને કે પીછે એક હી રીઝન હૈ કે કહીં ના કહીં ઉનકી જો ફિકર હૈ મેરે લિયે વો વ્યાજબી હૈ. બહાર સે અભી મેં જહાં રહે રહી હું વહાં મેરે નીચે મતલબ પુલિસ ડિપાર્ટમેન્ટ મેં સિક્યોરિટી યે પ્લીઝ જો મેસેન્જર પે કોલ કર રહે હૈ પ્લીઝ કોલ ના કરે મુઝે ડિસ્ટર્બ હો રહા મેરે પાસ ટાઈમ બહોત કમ હૈ મુઝે પ્લીઝ અપની બાત કહેને દીજીએ પ્લીઝ. યસ, પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટને નીચે સિક્યોરિટી મુજબ દી હું નીચે બેઠી હૈ ઉપર નહીં આ સકતી. સો મેં અપને ઘર કી બેલ્કની ભી અગર જાતી હું તો મેરી ફોટોઝ ઓર વિડીયોઝ વગેરે વાયરલ હો રહે હૈ ઓર મુજ તક મેસેજ પહોંચાયા જા રહા હૈ કે તુમ્હારી હર હરકત પે નજર હૈ હમારી. સો તુમ ચૂપચાપ ઘર પર બેઠો. ઓર મુઝે મેં બતા નહીં સકતી કે ઇસ વક્ત મુજ પે કિતની પ્રેશર હૈ. પોલિટિકલ તો હૈ હી સાથ મેં મેરે મુઝ પે તો હૈ હી મેં તો હિંમત નહીં હાર રહી લેકિન મેરે ફેમિલી મેમ્બર્સ પે ઇતના પ્રેશર બનાયા જા રહા હૈ કે વો લોગ ભી મુઝે બહાર જાને સે મના કર રહે હૈ. યે કૌન હૈ જો બસ કરો કહે રહે હૈ જિસકો તકલીફ હૈ પ્લીઝ વો લાઈફ સે નિકલ સકતા હૈ.
मुझे सजेस्ट करने की कोशिश ना करें कि मैं कौन क्या कर रही हूँ, और मुझे मुझे पॉइंट से ना हटाइए, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। आप लोगों के सामने लाइव आने का एक ही रीज़न है कि मुझे अब तक पुलिस डिपार्टमेंट पे भरोसा था कि वो मुझे मेरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, या फिर मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब वो अवेलेबल होंगे। पर आज मैं सुबह से कम 3 से 4 बार कंट्रोल रूम में कॉल कर चुकी हूँ, मुझे जो हेल्प चाहिए वो मुझे नहीं मिल पा रही है, और सुबह से मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था। बड़ी मुश्किल से मुझे इस वक्त मेरा फ़ोन मिला है, और एक शुभचिंतक मेरी जो क्लोज फ्रेंड है उसकी वजह से मुझे मेरा फ़ोन मिल पाया, जिसकी वजह से मैं लाइव अभी आ पा रही हूँ। सुबह से मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था, उसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि मेरे घर वाले बहुत टेंस थे मुझे लेके, वो मुझे खोना नहीं चाहते। सो मैं सोशल मीडिया के सामने भी आ सकती थी, पर सोशल मीडिया, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के पास जो पावर है, आई मीन डिजिटल भारत जो अपना बना है, और अभी ये सोशल मीडिया के पास जो पावर है वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी ताकत है सोशल मीडिया के पास। सो मुझे आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है, मैं अभी भी पीछे हट नहीं करना चाहती, मैं अपनी लड़ाई लड़ना चाहती हूँ। आज सुबह मुझे अपने हेडक्वार्टर पुलिस कमिश्नर कचहरी जाना था अपनी बात रखने के लिए, कमिश्नर सर को मिलने के लिए, पर मुझे फैमिली वालों ने नहीं जाने दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं बाहर जाऊँ और वापस घर पे ना लौट पाऊँ। और पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करी वो ना के बराबर थी, पुलिस वालों के यहाँ हाजिर होने के बावजूद मैं बाहर नहीं जा पाई। मुझे आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरा मैसेज जो है प्लीज़ पीएम साहब तक पहुंचाएं, अपने राष्ट्रपति साहब से साहब तक पहुंचाएं, मुझे उनकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। अगर कभी मतलब मेरे पास मैं क्या बोलूँ ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इस वक्त इतनी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, इतनी परेशान हूँ, मैं तो हुई, साथ में मेरी फैमिली वालों को इतने डेली के कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे तो परेशान किया जा रहा है मेरी फैमिली। यार ये कौन है जो मैसेंजर पे कॉल कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे इस वक्त टाइम नहीं है कि मैं मैसेंजर को डिलीट करके आपसे वापस लाइव आ पाऊँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मैसेंजर पे कॉल मैसेज करना बंद कीजिए प्लीज़। तो यस, मैं तो परेशान हूँ, मेरी फैमिली वाले भी बहुत परेशान हैं। मैं अपनी लड़ाई से पीछे नहीं हटना चाहती, मैं इस लड़ाई को आगे तक लड़ना चाहती हूँ, मैं अपनी हिम्मत नहीं हारी हूँ, अभी भी मैं मुझे आगे जाना है, लेकिन मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग हो सके तो कमिश्नर सर, जो हमारे ब्रह्मभट्ट सर हैं, सिर्फ उनसे ही मैं मिलना चाहती हूँ, अगर हो सके तो वहाँ तक बात पहुँचाइए कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ पीएम सर से, राष्ट्रपति सर से, DGNCC से, DG डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC सर, सभी सर से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मैं अभी भी जीना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ मीन्स ऐसा नहीं, मुझे मरने से डर नहीं है, मैं अभी मर सकती हूँ, लेकिन मैं जीना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है। अभी अपना जो भारत जो है उसको विश्व में लेके जाना है, विश्व में हमारा जो मीन्स के मोदी साहब ने जो गुजरात की जो एक अलग पहचान भारत में बनाई है, मैं भारत के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं देश सेवा करना चाहती हूँ, मैं विश्व में अपने भारत का डंका बजाना चाहती हूँ। मैं पता नहीं आप मुझे इसका उसको आप मुझे कॉन्फिडेंस कहेंगे या ओवर कॉन्फिडेंस, पर मैं इन शॉर्ट में देश के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए जीना चाहती हूँ। मुझे जीने से इसको भी ऐसा लगता है कि मैं ये जीने से डर गई है, जो करना था इसने कर लिया, हेल्थ मिनिस्टर के बंदे बेटे से इसने पंगा ले लिया, इसलिए जो डर रही है, भाग रही है। नो, मुझे डर नहीं है, वो तो सिर्फ हेल्थ मिनिस्टर थे, शायद होम मिनिस्टर साहब के नवाब जादे या उनके सुपुत्र होते तो उनको भी मैं रोक सकती थी। अभी भी मुझे में पावर है, मैं डर नहीं गई हूँ, मैं सिर्फ हेल्प चाहती हूँ, मैं सिर्फ मदद चाहती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ हूँ वहाँ पे और मुझ पे जो इस वक्त प्रेशर है वो इतना ज़्यादा है कि वो लोग कभी भी मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अभी भी मेरी सोसाइटी में बाहर के लोगों को आना अलाउ नहीं है, पर वो लोग इनडायरेक्टली मेरे सोसाइटी के पर्सन्स के साथ कांटेक्ट करके मेरी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे क्या, ये वो सारा कुछ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी बात आगे तक पहुँचाइए, मुझे मुझे मदद पा रहे हैं मेरी बात, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ आप मुझे हेल्प कीजिए। अगर मैं, यार ये कौन है जो बार बार मैसेंजर पे कॉल कर रहा है। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है उसके पास बहुत पावर है, सिंघम मूवी देख के या फिर गंगाजल मूवी देख के मुझ में या मुझ जैसे कोई भी भारतीय या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर में जो देशभक्ति की भावना जगती है वो काबिले तारीफ है, और बहुत कम मूवीज़ ऐसी बनती है जिससे मतलब पुलिस डिपार्टमेंट को या पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को जो है मोटिवेशन मिले। तो क्या बोलते कि इतना सब हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें हमें रिफंड में कुछ नहीं चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। और जो है गंगा जल स्पेशली देखने के बाद, ये जो एक्शन में मैं आई हूँ गंगा जल देखने के बाद आई हूँ,
और जो गंगा जल में जो प्रियंका मैम ने जो भूमिका अदा करी है वो सेम इसी वक्त इस वक्त मैं सेम रोल में हूँ। वो रील लाइफ थी और ये मेरे रियल लाइफ है। वो आईपीएस ऑफिसर थी और मैं एक एलआर ऑफिसर हूँ, फ़र्क इतना ही है। पर उन्होंने जो डेयरिंग उसमें दिखाया है सेम चीज़ मैं कर रही हूँ। उनको उनको भी उस वक्त बहुत ही तकलीफ़ें सहन करनी पड़ी थी। मैं हर परेशानी से लड़ने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं अकेले कर सकती हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ। जो करके आई हूँ आपको, आपके पास वीडियो ऑडियो ऑडियो पहुँच गया, आप समझ सकते हैं कि मैंने कितना कुछ किया है। पर मुझे अभी और बहुत कुछ करना है जिसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे माननीय श्री जो कुमार भाई कानाणी हैं उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है यार। आप जो अपनी जगह आप अपनी जगह पे सही हो, उनके जो सपोर्टर हैं वो भी अपनी जगह पे सही हैं। मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं अभी भी क्लियर कर दूँ। मैं सिर्फ अपना अपनी ड्यूटी कर रही थी, इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी के खिलाफ़ कुछ नहीं करना है, ठीक है। मुझे ना किसी बीजेपी से दुश्मनी लेनी है, ना दुश्मनी करनी है, क्योंकि वो अपनी जगह पे सही है। जो माने अपने जो हेल्थ मिनिस्टर, उनकी कोई गलती नहीं है। उनका बेटा अगर ऐसा कर रहा है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो मुझे उनसे कोई तकलीफ़ नहीं है, ना किसी और से तकलीफ़ है, ना उनके बेटे से भी मुझे तकलीफ़ नहीं है। सिर्फ तकलीफ़ इस बात की उन्होंने जो बोला उससे, पर ठीक है, स्वाभाविक है। वो उस टाइम गुस्सा हो गए, मैंने भी गुस्से में बहुत कुछ बोला, वो भी गुस्से में आके बहुत कुछ बोल रहे हैं। मुझे उनसे तकलीफ़ नहीं है। तकलीफ़ मुझे इस बात की है कि भाई मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे सज़ा मिल रही है। जिन उन मंत्री साहब के लड़के के जो दोस्त लोगों ने जो गलती करी, मतलब उन्होंने जो किया उनकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए, उसके बजाय मुझे मुझे क्यों मिल रही है। मतलब जिन्होंने गलती करी वो बाहर घूम रहे हैं और मैंने कुछ नहीं किया। मैं पिछले 2 दिन से घर के अंदर कैद हूँ, बाहर जाने को नहीं मिल रहा है। मेरी गलती क्या है? मैं अपनी जो ड्यूटी है वो ठीक से कर रही हूँ, यही मेरी गलती है। मेरी गलती ये है कि मैंने अपने जो ऊपरी अधिकारी है उनके उनके जो भी कुछ रिक्वेस्ट थी या फिर जो भी कुछ उन्होंने कहा उन्हें माना नहीं, या फिर उनकी जो भी डिमांड थी वो मैंने पूरी नहीं की। मेरी गलती क्या है कि मैं एक लड़की हूँ? मेरी गलती क्या है कि मैं किसी के सामने झुकना नहीं चाहती? मेरी गलती क्या है कि मेरे अंदर जो है जो गर्म खून है हमारा, जो मैं अपने आप को सुपीरियर नहीं बताना चाहती, लेकिन मेरे अंदर जो एक यदुवंशी का खून है, जो मतलब जो हम मालधारी है होते हैं, मैं किसी कम्युनिटी को सुपीरियर नहीं बताना चाहती, लेकिन सबको पता है कि मालधारी लोगों को सब ये कहते हैं कि ये माथा भारी है। हम क्या करें, हमारे हमारे हम लोग की कोई गलती नहीं, हमारे अंदर खून ही ऐसा ही है। जो यदुवंशी का हिस्ट्री आपको पता ही होगा, श्री कृष्ण भगवान ने उस टाइम द्रौपदी की लाज बताई थी, बचाई थी, लेकिन जो उस रात घटना घटी उस दिन मेरी खाकी की लाज उनकी ही एक मतलब वंश की एक लड़की की खाकी की इज्जत लूट रही थी, वो मैं बचा नहीं पाई। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब मैं मेरी गलती क्या है, मतलब अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरी गलती क्या है। पर जो भी है यार, गलती हुई, जिसको भी मैंने डिसपॉइंटेड किया है, जिसको भी लगता है कि मैंने गलत किया, उन सबसे मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं उन सबसे डर के माफ़ी नहीं मांग रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए माफ़ी मांग रही हूँ कि मुझे मैं सिर्फ अपना फ़र्ज अदा कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। मुझे किसी से कोई तकलीफ़ नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं मतलब लोगों को जब तकलीफ़ होती है तो पुलिस के पास आते हैं, जब आखिरी रास्ता उनके पास होता है तो वो पुलिस के पास होते हैं आते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहीं ना कहीं उनकी मदद करते हैं। आज देखिए कि एक पुलिस वाली या फिर एक एलआर ऑफिसर को उनके ही पुलिस वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कल तक मैं आपको ये कह रही थी कि पुलिस डिपार्टमेंट मेरे साथ है, सूरत गुजरात ही नहीं भारत की पुलिस डिपार्टमेंट मेरे साथ है, पर मेरे सूरत की जो पुलिस डिपार्टमेंट है सबका सब इसमें इन्वॉल्व नहीं है, पर कुछ लोगों ने मुझे जो है निराश किया है। मैंने कंट्रोल रूम में अभी कॉल किया, मैंने उनको कहा कि इस तरह से मैं परेशान हूँ, प्लीज़ आप घर पे आइए, मुझे हेडक्वार्टर आना है, अपनी बात रखनी है, मुझे सर से मिलना है। तो मुझे इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करी गई कि मैं कमिश्नर कचहरी जा सकूं। मुझे आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमिश्नर सर तक मुझे श्री ब्रह्मभट्ट सर से, कमिश्नर ऑफ पुलिस से, पुलिस को मतलब कमिश्नर सर तक मुझे मेरी मैसेज पहुंचाइए कि मैं उनसे सिर्फ उनसे मिलना चाहती हूं। अगर वो नहीं मिल सके तो प्लीज़ मैं DG सर से रिक्वेस्ट करती हूँ, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC, आर्मी चीफ, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी, किसी मैं आर्मी एक कोई कॉल कर रहा है यार, मुझे पता नहीं बार बार कौन है ये।
मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी, पर किसी कारण की वजह से मैं नहीं बन पाई। मुझे अभी आईपीएस ऑफिसर बनना है। प्लीज़ मुझे आप लोग सपोर्ट कीजिए। मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ देश सेवा करनी है। मैं जो अभी कर रही हूँ, जो कुछ भी कर रही हूँ, उसमें सिर्फ और सिर्फ देश सेवा है। मेरे मन में है कि अगर मुझे इंसान की इतनी मतलब ऐसा बोलते हैं कितने सारे जन्म के बाद इंसान की एक इंसान का रूप मिलता है या जन्म मिलता है, जो भी है वट एवर, तो मुझे जो ये इतना कीमती ज़िंदगी मिली है, मैं उसे मतलब मैं सुसाइड करके उसे ख़त्म नहीं करना चाहती। मुझ पे जो प्रेशर आ रही है, वो प्रेशर के बाद मुझे काफ़ी बार ख्याल आता है, यार मैं क्यों दुनिया से लड़ रही हूँ, क्यों ये सब कर रही हूँ, मैं क्यों ना अपने आप को ख़त्म कर लूँ। मेरे इस वक्त जो है मेरी फैमिली वाले भी, मतलब कल तक मेरे साथ में थे, आज मेरे फैमिली मेम्बर्स भी ये जो प्रेशर आ रहे हैं उसमें से हिम्मत हारने लगे। मेरे पापा खुद ये कह रहे हैं कि बेटा हमें किसी के लिए कुछ नहीं करना है, तेरी जो देश सेवा है उसकी कोई ज़रूरत नहीं लोगों को, तू घर पे बैठ, हमें तू चाहिए। मतलब दुनिया के लिए शायद मैं कुछ नहीं हूँ, पर मेरे मम्मी पापा के लिए, मेरे परिवार के लिए मैं ही दुनिया हूँ। तो कहीं ना कहीं वो अपनी जगह सही है। तो जो कुछ कर रहे हैं, प्लीज़ इन शॉर्ट में मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। मैं अभी भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ और मुझे बहुत टेंशन हो रही है इस बात की कि लोग मुझे क्यों नहीं समझ रहे। उनको क्यों ऐसा लगता है कि अभी भी देखो मैसेज आ रहे हैं कि इसको सेलिब्रिटी बनना है, ये वो। नहीं, मुझे कोई शौक़ नहीं सेलिब्रिटी बनने का। मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी, अभी भी वही बनना चाहती हूँ, ठीक है। सेलिब्रिटी मुझे नहीं बनना था, ना बनना है, और ना ही मुझे ऐसा कोई इरादा है। मैं जहाँ हूँ, एक अगर मुझे सेलिब्रिटी बनना होता तो मैं क्यों ना मॉडलिंग में जाती, क्यों ना मैं मूवीज़ में जाती, क्यों ना स्ट्रगल करती। मुझे कोई सेलिब्रिटी नहीं बनना है। मैं जो कुछ हूँ, बस मुझे देश सेवा करनी है। अगर मुझे सेलिब्रिटी बनना होता, मैं एक एलआर की पोजीशन पे नहीं होती। एलआर ऑफिसर जो होते हैं वो पुलिस की सबसे छोटी रैंक होती है, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो जो भी लोग को ऐसा लगता है कि मैं सेलिब्रिटी बनना चाहती हूँ, फेमस होना चाहती हूँ, कानून कायदे मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी कार के डैशबोर्ड पे पुलिस लिख रखी है, तो वो सब जो है, वो पुलिस का जो डैशबोर्ड है, वो अगर अपना समाज और अपना जो दुनिया दुनिया तो नहीं कह सकते, पर जो अपना सिस्टम है वो फॉलो कर रहा है। मैं चाहती हूँ आप सब लोग उस चीज़ का जो विरोध करें। पुलिस लिख के क्यों पुलिस लिखवा रहे हैं, क्यों एमएलए लिखवा रहे हैं, क्यों एक्स एमएलए लिखवा रहे हैं, क्यों एसएमसी लिखवा रहे हैं, क्यों आप कौन से डिपार्टमेंट पे हैं, या डॉक्टर हैं, वकील है, लॉयर है, जो भी है, आप अपनी आइडेंटिटी आप लोग पूरे भारत वाले जब हटा देंगे, तब मैं अपनी गाड़ी से जो टू व्हील पे मैंने जो पुलिस लिख रखा मैं भी हटा दूंगी। अगर फिर भी आप लोग को लगता है कि मैंने गलत किया अपनी गाड़ी में पुलिस लिखा के, तो ठीक है, माफ़ी चाहती हूँ। मैं अभी नीचे जाके उसको निकालने के लिए तैयार हूँ, उस स्टिकर को निकालने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा और मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहे, मैं घर में कैद हूँ। प्लीज़ हेल्प मी, मैं बाहर निकल सकूँ। मुझे बहुत कुछ करना है। मुझे किसी से डर नहीं, किसी के बापू का डर नहीं है मुझे। मुझे ना ही मंत्री साहब से डर है, ना मंत्री साहब के बेटे से डर है, ना किसी समाज से, ना किसी बोलते हैं ना किसी कम्युनिटी से डर है। मुझे किसी का डर नहीं है। बस मुझे डर इस बात का है कि आप लोग जो मुझसे शायद परेशान हुए, या मैंने मुझसे कोई गलती हुई, मुझसे हुई है, प्लीज़ मेरे परिवार वालों को बख्श दे, मेरे परिवार वालों को परेशान करना बंद करें, प्लीज़। आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा मैसेज ऊपर तक पहुँचाइए। मैंने कोशिश करी है ऊपर तक मेरी बात पहुँचाने की। मेरा आहिर समाज मेरे साथ में है। मैं अगेन कहना चाहती हूँ कि मैं जो है किसी, मेरे लिए मतलब जाति धर्म जो है कोई भी कम्युनिटी कुछ मैटर नहीं करती। मेरे लिए जो है मानव और इंसान जो है वो सर्वोपरि है। स्त्री और पुरुष में भी मेरे मतलब मेल फीमेल भी मेरे लिए एक समान है। मेरे लिए जो लो है वो मैं मतलब मेरे विचार ऐसे हैं कि सब एक समान है, ठीक है। उसमें जाति धर्म मेल फीमेल जो भी कुछ है, सब कुछ मेरे लिए एक बराबर है। मेरे लिए ना मैं आहिर बताना अपने आप को चाहती हूँ, ना मैं ये ना वो, मैं सिर्फ एक देशभक्त हूँ। प्लीज़ आप मेरी मदद इसलिए कीजिए कि मतलब मैंने क्या गुनाह किया। अगर मैं देश के लिए सोच रही हूँ, अगर मुझे लोगों के लिए काम करना के लिए सोच रही हूँ, तो मुझे इनाम मत दीजिए। मुझे इनाम नहीं चाहिए, पर कम से कम मुझे शांति से जीने तो दीजिए एटलीस्ट। आप लोग मुझे मतलब सभी को नहीं कह रही हूँ, मतलब जो जिनसे जो ऐसा कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनको कह रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद कीजिए।
परेशान करना बंद कीजिए। मैं अब इस वक्त मेरी जो नाव है ना वो मझधार में है, मतलब तूफान आ रखा है समुद्र में, और मैं अकेली नाव चला रही हूँ। मेरी नाव में काफ़ी सारे लोग सवार थे, पर एक एक करके सब उतरते जा रहे हैं, सब उतरते जा रहे हैं। इस वक्त मतलब आज की तारीख में मेरे साथ सोशल मीडिया की पावर के सिवाय कुछ भी नहीं है। आई मीन कोई भी मेरे साथ नहीं, पर फिर भी मुझमें इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अपनी नाव में अकेले ही सही, मझधार में मैं अकेले ही सही, मैं अपनी नाव को अकेले पार लगा लूँगी, अकेले मैं वहाँ तक मतलब मेरी मंजिल तक पहुँचने की ताकत रखती हूँ। मतलब वो कहते हैं ना, जब नाव डूबती है तब चोर सबसे पहले उतर के भागते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी, मेरे पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी, पर कोई मतलब पता नहीं क्या समझते हैं कि मतलब वो लोग को ऐसा लगता है कि शायद हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये मर जाएगी, या हमसे हम कहीं फंस जाएंगे। मुझे किसी को नहीं फंसाना यार, मुझे सिर्फ अपना काम करना है, मुझे किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। आज पूरी दुनिया मेरे साथ में नहीं है, फिर भी मैं जीना चाहती हूँ। आज मेरे साथ में कोई भी नहीं है, नो वन। हाँ, एक बंदा है मेरे साथ, ये सिर्फ यही है मेरे साथ जो इस वक्त मेरे साथ में है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, तकलीफ ये है कि ये भी कुछ नहीं कर सकता। अभी रिसेंटली जो सुशांत सिंह की डेथ हुई है, आई मीन उसने सुसाइड किया, लोग ऐसा कहते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि उसने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर है। वो क्लियर है कि वो मर्डर है। उसका जो कुत्ता है वो आप देखते हैं कि वो सिर्फ एक ही था जो उसके सपोर्ट में था। मेरे पास कुत्ता तो नहीं, मेरे पास ये टेडी है जो इसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, ये है वो है जो मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब मरने अब दुनिया को अपनी ताकत बताने के लिए, उन दुनिया को अपने आप को दुनिया के सामने अपने आप को साबित करने के लिए मरना ज़रूरी है क्या? मतलब उस रात को अगर मेरे साथ कुछ हो गया होता तो उसके बाद आप लोग ये सब कर रहे होते शायद। कुछ जो लोग भी सजेशन दे रहे हैं, अपने सजेशन अपने पास रखें प्लीज़। जो ये मैसेज कर रहे हैं उनको तकलीफ है तो वो लोग निकल सकते हैं। मैं इससे पहले कि नाम लेके बोलूं, जो भी मुझे परेशान करने की कोशिश करे वो निकल सकते हैं। सपोर्ट करना दूर, आप लोग मुझे पीछे हट करने के लिए कह रहे हैं, शर्म आ रही है? निकल सकते हो आप लाइव से जिसको तकलीफ हो रही है। दोबारा अगर मुझे मैसेज या कॉल किया तो मैं डायरेक्ट नाम लेके बोलूंगी कौन कमीना ऐसा कर रहा है। तो जो सुशांत सिंह राजपूत है वो मरने के वैल्यू कर रहे हैं, वो ये था वो था, उसकी तारीफ कर रहे हैं। अगर वो जिंदा था तब तक उसके कोई भाव नहीं पूछ रहे थे, वो मर गया उसकी तारीफ़ें की जा रही, क्या फ़ायदा उस तारीफ होगा, क्या फ़ायदा उसकी मान सम्मान का, क्या फ़ायदा किसी भी चीज़ का? वो तो उसको तो वापस नहीं ला सकते। मैं तो थैंक यू कहती हूँ उस जवान का, पुलिस ऑफ फ्रेंड का, जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ और अपनी बात रख पा रही हूँ। वरना उस दिन मैं ये खुले में कह रही हूँ, आज मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, जब पुलिस डिपार्टमेंट मेरा साथ छोड़ दिया है, सूरत पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, तो यस मैं खुला कहना चाहती हूँ कि उस दिन निर्भया कांड टू मेरे साथ होने वाला था, वो FOP जवान वहाँ पर नहीं होता तो मैं आप लोग के बीच होती, पर ये शायद फ़ोटो फ्रेम में होती, रियल में नहीं होती आप लोग के सामने। प्लीज़ आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं इस चीज़ को? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जो दिखावा कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सुबह से मैंने खाना भी नहीं खाया, दोपहर से मेरे मम्मी पापा ने बड़े फोर्सफुली मुझे खाना खिला दिया। मेरे खाना खाने के बाद भी मेरे बॉडी में इतनी वीकनेस है कि इस वक्त भी मेरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती यार। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ आप लोगों को, मैं अपने घर के बाहर नहीं निकल सकती। जो जो समाज है, जो परिवार है, कहीं ना कहीं सबको रोकता है, ये बंधन है। मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि अगर आप लोग को या फिर मुझे किसी को भी अगर दुनिया में कुछ करना है ना, तो ये समाज और परिवार से दूर हटके हम कुछ कर पाएंगे। मतलब कि मेरे जो आइडल हैं वो नरेंद्र मोदी सर हैं, किरण बेदी हैं, अक्षय कुमार हैं, प्रियंका चोपड़ा हैं, कंगना रनौत हैं। स्पेशली मैं उनकी सबसे बड़ी फ़ैन हूँ कंगना रनौत की, क्योंकि बॉलीवुड में वो अकेली शेरनी ऐसी है जो मुंह पे जवाब दे सकती है। मैं खुद उनसे सहमत हूँ यार कि अगर आप लोगों में हिम्मत है ना तो सबके सामने बोल के दिखाइए। और पूरी बॉलीवुड में सिर्फ वो एक ही शेरनी है जो मुंह पे जवाब देती है, आप बाकी सब जानते हैं कितना क्या करती है। और मैं सबसे बड़ी फ़ैन हूँ प्रियंका चोपड़ा मैम की, स्पेशली गंगा जल में जो उन्होंने जो भूमिका अदा करी है, वो उनकी रियल लाइफ थी और मैं रियल लाइफ में वो ही भूमिका फेस कर रही हूँ इस वक्त।
और मेरी इच्छा थी, पता नहीं, मतलब मेरी इच्छा है कि अक्षय कुमार सर से मैं मिलूं, जो है धोनी साहब से मैं मिलूं, कंगना रनौत, स्पेशली मैं कंगना रनौत से मिलना चाहती हूं, किरण बेदी मैम से मिलना चाहती हूं, प्रियंका चोपड़ा से मिलना चाहती हूं, मैं इन सबसे मिलना चाहती हूं, क्योंकि वो मुझे उन लोगों की लाइफ, उन लोगों का लाइफ स्टाइल, उन लोगों का काम करने का तरीका मुझे जो है इंस्पायर करता है, कहीं ना कहीं मेरे में अंदर जो आग है और वो लोग देते हैं। और सबसे बड़ी फ़ैन, मतलब सबसे बड़े आइडल मेरे अगर कोई हैं तो वो मोदी साहब है। और आप लोगों से मुझे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये चीज़ आगे तक पहुँचाइए, मैं इस वक्त अकेली हूँ, मेरे फैमिली मेम्बर्स भी परेशान हो गए मुझसे, मुझसे परेशान हो गए, मतलब लोगों के जो दबाव है उससे परेशान हो गए, मुझे अब सपोर्ट चाहिए। आप लोग अगर मेरी मदद कर सके तो अच्छा है, नहीं तो फिर अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि मर के इंसाफ दिला सकते तो ठीक है, फिर मैं रेडी हूँ उस चीज़ के लिए, मैं इससे पहले कि कोई और मुझे मारे मैं खुद मर जाना चाहती हूँ। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी बात अपने जो सिस्टम के सुपीरियर हैं उन तक पहुंचाएं प्लीज़। और हाथ जोड़ के मेरी मोदी साहब से, अगेन आई रिपीट, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी, आर्मी चीफ, इन सब से मेरी, और एनसीसी कैडेट से सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी बात आगे तक पहुंचाएं प्लीज़, मुझे हेल्प की ज़रूरत है प्लीज़। मेरे घर वाले भी इस वक्त इतने परेशान हो गए हैं बाहर, पब्लिक के, पब्लिक नहीं पर जो भी जो प्रेशर आ रहा है हमारी फैमिली पे, मेरे समाज वाले परेशान हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे कोई नुकसान ना हो जाए। उनकी चिंता जो है वो जायज़ है, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत है, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, मैं इस वक्त अकेली हूँ। मेरे मदर फादर भी इतने परेशान हो गए बेचारे कि उन्होंने ये कहा कि भाई अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमें तू चाहिए, हमें लोगों के लिए कुछ नहीं करना है, लोग जो हैं वो सब कुछ अपने आप कर सकते हैं। तो आप लोग को लगता है कि मेरी ज़रूरत नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं, दुनिया से एक बंदी कम हो जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं भारत का डंका विश्व में बजा के आऊँ। मेरी इच्छा है कि मैं रहने दो, आप लोग को लगेगा ये ओवर कॉन्फिडेंट है ये वो, या फिर ओवर हो रही है, जो भी है, मैं सिर्फ एक सिंपल लड़की हूँ, मुझे जीना है, मुझे जहाँ मेरी ड्यूटी है या फिर जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ लोगों की देश सेवा करना चाहती हूँ, लोगों के लिए मदद रूप होना चाहती हूँ। और अगर वो मदद भी आप लोग को ज़रूरी नहीं है वो मदद भी, तो ठीक है मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे शांति से रहने दीजिए। जो भी कोई है जिनको लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ, जो भी माननीय श्री कुमार भाई कानानी साहब के फैंस हैं, जो मुझे गालियाँ दे रहे हैं, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुझ पर नज़र रख रहे हैं, मुझे आप लोगों से भी कोई तकलीफ़ नहीं है, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। मतलब अभी जो कुमार भाई कानानी साहब का गलत ख़राब टाइम चल रहा है, शायद मैं नहीं मानती खराब चल रहा है, पर जो शायद अगर ख़राब टाइम चल रहा है आप लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं तो सैल्यूट करती हूँ आप लोग को यार, कि सैल्यूट है कि खराब टाइम में आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको, मुझे आप लोगों से कोई तकलीफ़ नहीं है, ना ही मुझे हम हेल्थ मिनिस्टर साहब से कोई तकलीफ़ है, ना उनके लड़के से कोई तकलीफ़ है। सबसे गलती होती है, मैंने भी जो उस दिन कुछ कहा, मुझे लगता है शायद मैंने ज़्यादा कह दिया, शायद उन लोगों को जाने देना चाहिए था, मुझे भी शायद इतना गर्म नहीं होना चाहिए था, मुझे भी लेट गो करना चाहिए था। ठीक है, गलती सबसे होती है, मुझसे गलती हुई, आप लोगों से भी गलती हुई, मुझे आप लोगों से कोई कोई शिकायत नहीं है किसी से भी, मुझे शिकायत सिर्फ इस बात से है कि आप लोगों ने जो किया वो गलत किया। आप लोग इतना कुछ करके भी बाहर आज़ादी से घूम रहे हैं और मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी एक ड्यूटी निभानी चाहिए, ईमानदार पुलिस वालों की तरह ड्यूटी निभानी चाहिए, और मैं घर के अंदर कह दूँ क्यों, क्या गलती करी है मैंने, यही गलती है कि मैं एक लड़की हूँ, यही गलती है कि मैं सिस्टम के सामने नहीं झुक रही हूँ, यही गलती है कि मैं खादी के सामने नहीं झुक रही हूँ, मेरी यही गलती है कि मैं परिवार के सामने नहीं झुक रही हूँ। मेरे परिवार ने मैं जिनके साथ मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ वो ध्यान से देखे कि इस वक्त मैं आज़ाद हो चुकी हूँ हर चीज़ से, अगर हो सके तो सपोर्ट करो मुझे, वरना मेरी तरफ से हर कोई आज़ाद है, मैं किसी के साथ कोई बंधन में नहीं रहना चाहती। वैसे भी जो जो इस समाज और रिश्तों के बंधन से आज़ाद हुआ है उसने इतिहास रचा है, आप मोदी साहब को ही देख लो यार, सबसे बड़े एग्जांपल है, फिर आप अब्दुल कलाम साहब को देख लो, मदर टेरेसा को आप देख लो, किरण बेदी मैम को देख लो, जो जो समाज और इन रिश्तों से ऊपर उठा है उसने ही कुछ किया है, तो मैं इन सबसे आज़ाद हो चुकी हूँ, मेरे साथ में इस वक्त कोई नहीं है, कोई बात नहीं, मैं अकेली हूँ।
ना मुझे समाज की टेंशन है, ना मुझे परिवार की टेंशन है, ना मुझे पुलिस किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं। मुझे, मैं हर किसी से आज़ाद हूँ इस वक्त, और मुझसे जो भी रिश्ते नाते थे सब मुझसे आज़ाद है आज के बाद। मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है और कोई मुझसे ना उम्मीद रखे। बस मैं ये चाहती हूँ कि मुझे शांति से जीने दिया जाए, क्योंकि भगवान ने मुझे जो इंसान के रूप में जन्म दिया, मैं उसको जीना चाहती हूँ यार। मुझे मुझे हक है शायद जीने का। मुझे किसी से, अगेन आई रिपीट, मुझे किसी से कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मुझसे जो भी रिश्ते नाते थे मेरे से आज़ाद हैं, और आपसे मैं आज़ाद हूँ। मुझे आज़ाद कीजिए प्लीज़, मुझे बंधन में बांधने की कोशिश ना कीजिए। अगेन डिजिटल इंडिया से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरी बात माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी सर से तक पहुँचाएँ, मेरी बात राष्ट्रपति साहब तक पहुँचाएँ प्लीज़। मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मैं मरना नहीं चाहती। मेरे मेरे घर के लोग जो मतलब बेचारे परेशान हो रहे हैं मेरे लिए, मेरे समाज, मेरा परिवार, मेरा खानदान, सब लोग परेशान हो रहे हैं इस चीज़ से। सिर्फ मुझे ही तकलीफ़ नहीं दी जा रही, मेरे पूरे पूरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, कॉल किए जा रहे हैं, मेरे परिवार को भी फॉलो किया जा रहा है, उन पर निगरानी रखी जा रही है। मतलब हर तरीके से मेरे पे इतना प्रेशर बनाया जा रहा है कि मैं तो परेशान नहीं हो रही हूँ, अभी भी परेशान नहीं होंगी, लेकिन कहीं जो है मेरे फैमिली मेम्बर्स कहीं ना कहीं हिम्मत हार रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। वो लोग पीछे हट करना चाहते हैं और मुझे समझा रहे हैं पीछे हट करने के लिए, जो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मुझे बहुत कुछ करना है। मेरी गलती ये है कि मैं एक लड़की हूँ, मेरी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो मैंने जाहिर करी है कि मेरे जो रोल मॉडल है मैंने आपको बताया, और किसी से मिल पाऊँ या ना मिल पाऊँ, मैं प्रियंका मैम से और कंगना मैम से मिलना चाहती हूँ, और स्पेशली अपने जो माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। फिर भले मैं शायद मर जाऊँ या कोई मार दे, ठीक है, मुझे घर से बाहर निकलना है, मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। अगर आप लोग को मेरी ज़रूरत की हेल्प की ज़रूरत नहीं तो कोई बात नहीं यार, मुझे कम से कम शांति से जीने दो यार। ये कौन है पीयूष जो बोल रहा है गलती सिर्फ आपकी है? क्या गलती है भाई मेरी? जो भी साथ दे रहे हैं उनका थैंक यू सो मच। नहीं नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं पॉलिटिशियन में जाने की, ना ही मुझे किसी, आप मेरे साथ हैं तो प्लीज़ जो अपने अपने जो अभी जो कोरोना ग्रस्त अपना इंडिया हो गया है उसमें जो सोशल डिस्टेंस है उसको मेंटेन कीजिए, और क्या बोलते हैं मास्क पहनिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है। और वो पहन के अगर ये सारे साथ में करने के बाद अगर आप मुझे सपोर्ट कर पा रहे हैं तो मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आप सोशल मीडिया, आप लोगों को और भारत को और विश्व को बताइए, आप लोगों को भारत को और विश्व को बताइए कि सोशल मीडिया में कितनी पावर है। हम लोग घर बैठ के भी ये लड़ाई लड़ सकते हैं। मुझे आपके साथ की ज़रूरत है, उसके लिए रोड पे आने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठ के मदद कर सकते हैं, आप घर पे बैठ, मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी मुझे मदद करने जा रहे हैं आप लोग घर पे बैठ के मेरी मदद कीजिए प्लीज़। कोई भी जो है ऐसा कोई कदम ना उठाइए कि हमारे सरकार को तकलीफ़ में आए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो देश है वो पहले से ही बहुत मुसीबत को फेस कर रहा है। जब से 2020 स्टार्ट हुआ है इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। वो तो ठीक है, मैंने नहीं सोचा था मेरी लाइफ में भी इतना बड़ा तूफान आ जाएगा। मतलब ये 2020 मुझे लगता है कि मतलब हर चीज़ को देखने का दो नज़रिया है, ठीक है। एक ये चीज़ कि भाई कोरोना जो आया है वो मतलब सबको परेशान करके गया, इतनी सारी डेथ्स हो गई, ये वो, पर मैं उस चीज़ को पॉजिटिवली लेती हूँ कि भाई कोरोना आया है तो मंदिर बंद हुए हैं, मॉल्स बंद हुए हैं, बाहर के जो सोशल मीटिंग होती थी वो बंद हुई है। इसे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अपना ही फ़ायदा है। देखिए मंदिर बंद हुए हैं पर ऊपर वाले को हम कोसते हैं कि भाई साइंस है वो मतलब भगवान है वो बैठ के देख रहा है, मंदिर में बंद कैद हो गया और साइंस अपना काम कर रही है। नहीं, भगवान अपना काम कर ही रहे हैं, भगवान ने सब कुछ, मैं मानती हूँ मैं भगवान को, कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे विश्व को चला रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो सिस्टम ये चला रहा है, या फिर भगवान ही मान लीजिए कि अगर भगवान, आप भी सुना है, आपने भी, मैंने भी सुना है कि उसकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो आप सोचिए ना कि भगवान ऐसा चाहेगा कि ऐसा लोगों को परेशान किया जाए, वो कभी नहीं चाहेगा। पर कहीं ना कहीं जो मंदिर बंद है तो आप देखिए कि भगवान ने हर घर को मंदिर बनाया है। आप देखो कि हर घर में जिनके पास, लोगों के पास टाइम नहीं था, घर के परिवार के लोगों के लिए टाइम नहीं था, वो घर पे बैठने लगे हैं सोशल डिस्टेंस करके और मास्क पहन के। जो एक दो तकलीफ हुई पर सामने फ़ायदे देखिए कितने हुए। जैसे हम लोग घर पे रहने लगे, पॉल्यूशन देखिए कितना क्लीन, पॉल्यूशन कितना कम हो गया है,
गंगा नदी का एक एग्जांपल देख लीजिए कि गवर्नमेंट ने इतना सारा पैसा खर्च किया पर वो काम नहीं कर पाए जो हम घर के अंदर, मतलब इन शॉर्ट में यार, कहीं ना कहीं कुदरत जो है हम इंसानों से नाराज हुई है, जिसकी वजह से ये झटका अपने को दिया है। ठीक है, और रही बात कोरोना की, तो कोरोना हम जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन रहे हैं उससे कम नहीं होने वाला। मेन चीज़ अपनी इम्यूनिटी पावर है, वो अगर आपकी ठीक है तो कोरोना तो क्या, कोरोना का बाप आए तो अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अपने भारतवासी तो इतना स्ट्रांग है कि मेरे ख्याल से कोरोना क्या, कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वैसे ही हम लोग क्या बोलते हैं कि जो डेथ्स कोरोना से हो रही है उससे ज़्यादा डेथ्स तो एक्सीडेंट में हो जाती है। तो सोचिए ना कि जो क्या बोलते हैं कि हम लोग घर पे रह रहे हैं उससे बहुत सारे फायदे हुए हैं। आप खुद, मुझे लगता है कि समझदार हैं, आपको खुद को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग घर पे रह रहे हैं तो फैमिली लाइफ हम लोग जीने लगे हैं, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करने लगे हैं, और जो घर पे जो भी मतलब टाइम ज़्यादा बिता पा रहे, वरना लोगों के पास सोशल मीडिया पे एक्टिव होने के लिए टाइम था, पर घर पे घर के लोगों के लिए टाइम नहीं था। वो लोगों के बीच में जो दूरियां थी, वो सोशल डिस्टेंस आया नो डाउट, पर परिवार के बीच जो डिस्टेंस था वो कम हुआ है। मतलब आप, मेरा नज़रिया ये है, आप क्या मानते हो पता नहीं, 2020 आप सब मानते हो मुसीबत का साल है, ये है वो, मैं नहीं मानती मुसीबत है। मुझे तो ये लगता है कि 2020 है वो ज़बरदस्त साल है, कुछ ना कुछ नया परिवर्तन करके जाएगा। और मतलब मुझे लगता है कि 2020 में लोगों को इतना सारा कुछ सिखाया है कि शायद आने वाले फ्यूचर में हम हमारे लिए मतलब अपने लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। तो इसको भी मैं तो पॉजिटिव ही लेती हूँ। और मेरे ऊपर जो अभी इस मुसीबत आई है, और मैं मतलब मेरी ज़िंदगी के जीवन में जो तूफान आया हुआ है, और मैं मझधार में हूँ, तो मुझे पक्का पता है कि मैं इसे पार हो पाऊँगी। पर आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि मैं जल्दी पार हो पाऊँगी। सो प्लीज़ आपसे लास्ट रिक्वेस्ट है कि मेरी जो वो कहते हैं ना कि इच्छाएं ना, वो तो राजा महाराजाओं की भी अधूरी रह जाती है, और ज़रूरतें वो आम इंसान की पूरी हो जाती है। तो जीना है ना वो मेरी ज़रूरत है, मेरी इच्छाएं जो है, जो मुझे ये है वो है, वो भले अधूरी रह जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरी जो ज़रूरत है वो मुझे पूरी कीजिए। मुझे नहीं पता मैं कल ज़िंदा रहूँगी नहीं रहूँगी, क्योंकि जो जो इतना इतना कुछ मेंटल इतना प्रेशर आया है। वन सेकेंड, मेंटली मेरे और मेरे परिवार पे जो इतना प्रेशर आया है वो भी मैं हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। मेरा फैमिली मेरे साथ है, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। अभी भी मुझ में बहुत पावर है, मैं कोई पीछे हट नहीं करना चाहती। मुझे प्लीज़, मुझे मेरा काम करने दीजिए, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। और किसी को भी मुझसे कोई भी तकलीफ़ हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। मेरी पार्किंग में खड़ी टू व्हील की फ़ोटो ली जा रही है, उसकी जो है नंबर प्लेट नहीं है, और मतलब मैंने रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाई है, और मैंने पुलिस लिखवा रखा, उसका विरोध कर रहे हैं। नंबर प्लेट है मेरी गाड़ी पे, पीछे की साइड में मेरी गाड़ी पे नंबर प्लेट है, आगे की साइड नहीं है, क्योंकि मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी, और मैंने जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उसके कुछ दिन पहले ही मैंने गाड़ी का अपना काम करवाया, इसकी वजह से मैंने आगे की साइड में नंबर प्लेट नहीं करवाई अभी तक। वो प्रोसेस में है, आ जाएगी। और दूसरा, जो मेरी गाड़ी पे पुलिस लिख रखा है वो इसलिए क्योंकि लोग अपना जो सिस्टम है वो यही है कि सब लोग कर रहे हो, आप उनको देखिए, आप मुझ पर क्यों फोकस कर रहे हैं, और मेरी लाइफ में मैं क्या हूँ क्यों, उस पर आप क्यों फोकस करना चाहते हैं, मैंने क्या किया है, मेरे साथ क्या हुआ है, उस पर आप फोकस कीजिए प्लीज़। मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरी पर्सनल लाइफ में आप लोग घुसना बंद कीजिए, मुझे जीने दीजिए प्लीज़। मैं जीना चाहती हूँ, डर नहीं रही हूँ, अभी भी मैं कह रही हूँ कि मुझ में इतनी पावर है कि अभी भी मैं हर किसी से पंगा लेने के लिए तैयार हूँ। सब लोग कहते हैं कि मतलब सबसे पंगा ले यार, लेकिन क्या बोलते हैं, मीडिया से पंगा मत ले। मैंने तो मीडिया से भी पंगा लिया, क्योंकि वो हम लोग को सिखाते हैं कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, और वो खुद ही सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहे थे जब मेरा इंटरव्यू लेने आए तब, और वो भी मास्क नहीं पहन रहे थे। तो वही चीज़ मैंने उनको कही, तो उनको भी मेरी बात बुरी लगी। ठीक है, मतलब जिसको भी आप सही बात बोलोगे बुरा लगे, चाहे वो परिवार वाला हो, चाहे अपना फ्रेंड हो, कोई भी हो, जिसको भी आपने सही सलाह दी है उसकी नज़र में आप फिर निकल गए। तो मतलब मुझे क्या बोलते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करनी नहीं आती। मतलब पंगा जो है मैंने अपनी लाइफ से शुरुआत से लिया है, वो चाहे मेरी कॉलेज लाइफ हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे एनसीसी में हो, चाहे वो ड्यूटी में हो, चाहे हो,
मेरे साथ 1700 लड़कियां थी पीटीसी में, जो हमने ट्रेनिंग लेके बाहर निकले, वो सारी की सारी सैरनियाँ बन के बाहर निकली है, पर सिस्टम उनको भीगी बिल्ली बना के बिठा रखे। वो सब जानते हैं कि मैंने कितने पंगे लिए। मेरे साथ में 1700 लड़कियां, एक पंगा हो गया था उसमें थी। जब ऑन पेपर आया, जब मैंने पीछे घूम के देखा तो मैं अकेली थी, फिर भी मैं लड़ रही थी। ठीक है, तो अभी भी मुझ में पावर है लड़ने की, मैं लड़ूंगी, अभी भी लड़ूंगी। लेकिन मुझे प्लीज़, जो भी जिसको भी मैंने परेशान ना चाहते हुए किया, मैंने जानबूझ के नहीं किया, पर जिसको भी मैंने ना चाहते हुए किसी को अगर मुझसे परेशान हुई तो मैं उससे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे आपसे किसी से कोई तकलीफ़ नहीं है। मेरी इच्छाएं जो है वो शायद अधूरी रह जाए, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, पर मेरी ज़रूरतें हैं वो मैं चाहती हूँ मैं पूरी पूरी हो। कल मैं ज़िंदा रहूँ ना रहूँ मुझे पता नहीं, पर ऊपर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी बात जो है ऊपर वाले तक पहुँचाइए, आई मीन सिस्टम के ऊपर सुपीरियर तक पहुँचाइए। और ऊपर वाले से मेरी ये दुआ है कि भाई मतलब कहीं ना कहीं मैं तो ऐसा मानती हूँ कि नारी है वो नारायणी है, मतलब पुरुष से भी ज़्यादा ताकतवर नारी है। लेकिन जो अभी आज 2-3 दिन से जो हो रहा है उससे मुझे लगता है कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। मुझे आप पुरुषों से भी कोई वो पंगा नहीं लेना यार, मुझे आप लोगों से भी कोई तकलीफ़ नहीं। लेकिन सिर्फ बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ बात ये बताना चाहती हूँ कि जो अपनी महिलाएँ हैं वो आप उनको सम्मान कीजिए, मतलब देवी देवताओं में देख लीजिए। देवी जहाँ पे पूजी जाती है वहाँ पे ही सब कुछ ठीक होता है। अगर आप औरतों की इज्जत करेंगे, उनको मान सम्मान देंगे, तो ही हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं तो फिर भी जो परेशानी मुझे अभी हुई है और मैं उस सिस्टम से लड़ रही हूँ, समझ रही हूँ, मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि मुझे अगले जन्म में बिटिया मत बनाइए प्लीज़। मुझे अगले जन्म में शायद, मैं पता नहीं इंसान का जन्म मुझे मिले ना मिले, लेकिन अगला जन्म अगर मुझे आप इंसान का दो तो मुझे बेटी मत बनाना। क्योंकि मैंने हर जगह से तकलीफ़, हर जगह से धोखा, हर जगह से मुझे सिर्फ विश्वासघात ही मिला है। मेरे रूम की जो है वो लाइट चली गई है। जो भी मुझे शायद बिल्डिंग वाले परेशान कर रहे हैं या फैमिली वाले परेशान कर रहे हैं, जो भी है कोई बात नहीं, मेरी शक्ल दिखनी ज़रूरत नहीं है। मेरी लाइट भी ऑफ कर दी है। मेरे फ़ोन में जो है वो 5% ही बैटरी है। लास्ट रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा। अगर मैं ज़िंदा रही तो मुझे बहुत कुछ करना है, और अगर मैं मर गई तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर मैं मर गई तो कैंडल लाइट लेके बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब मरूँ तो मेरी जो डेड बॉडी है उसको आर्मी यूनिफॉर्म में आप लोग और मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि शायद मैं जिंदा हूँ इसलिए आप मुझे मिलने नहीं आ पाए, पर अगर मैं मर जाऊँ तो एक बार प्लीज़ मुझे मेरी डेथ बॉडी के पास आप आइएगा। ये मेरी लास्ट इच्छा है। और मेरी बॉडी तिरंगा में अगर मैं मर गई हो तो मेरी बॉडी तिरंगा में अगर आप लोग शमशान तक पहुँचा पाए तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।